बच्चों करने वाले हैं हम ये वाला पार्ट है ना, बी वाला। तो इसको बड़े गौर से, बड़े प्यार से देखना ज़रूरी है ना, प्यार से देखा करो यार किसी भी चीज़ को। तो देखो इसको देखते हैं, और मुझे यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ। टू प्रूव, मुझे प्रूफ क्या करना है, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी एफ जी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, तो मुझे मतलब ये वाला जो पैरेललोग्राम है इसके इक्वल करना है ना। तो क्या बात है जी, इसको करते हैं इक्वल। तो इसको करने के लिए ना, इक्वल करने के लिए थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यार। ऐसा करते हैं, ये ए सी को मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ, और इस ई और एफ को मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखो बड़े ईजीली, बड़ा ईजी हो जाता है इससे क्वेश्चन। तो पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्ट लाइन ए सी एंड एफ ई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ट्राइंगल ए सी एफ एंड ट्राइंगल ए एफ ई। तो देखो ए सी एफ ये वाला ट्राइंगल, और ए एफ ई, ए एफ ई ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, जल्दी बताइए, यस और नो। बिल्कुल हो सकते हैं, देखो सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, ऑब्वियस सी बात है। मैं ये बोल सकता हूँ सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, सेम बेस एंड लाई लिख लेता ना, लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाई एंड लाई यहाँ पे लिख लेता हूँ, एल आई ई लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। क्या बात है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इसको कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई। क्या बात है, यहाँ पे मैंने ये दोनों को इक्वल कर दिया, ये वाले ट्राइंगल को और ये वाले ट्राइंगल को इक्वल। देखो बस प्रॉपर्टी लगा दी। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसमें से मैं काम करता हूँ, मैं इसमें से अगर ये ए, देखो इसमें से अगर मैं क्या कर दूँ, अगर इसमें से मैं ये माइनस कर दूँ, देखो ये वाला ट्राइंगल ये माइनस कर दिया, देखो ये, देखो देखो मैं कैसे माइनस कर रहा हूँ, ये चीज़ देखो, ये चीज़ क्या है मेरे पे, ए बी एफ ट्राइंगल ए बी एफ मैं अगर माइनस कर दूँ तो देखो मेरे पे क्या बच जाने वाला है, तो मेरे पे ये बच जाने वाला है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बच जाने वाला है। और उसमें फिर मैं अब क्या करूँगा, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ये वाला ट्राइंगल माइनस कर दी, पूरे थे तो मैं उसमें से ये कॉमन साइड माइनस कर दी। तो सब्सट्रैक्टिंग ट्राइंगल ए एफ बी ए एफ बी। ठीक है, तो मैं यहाँ से सब्सट्रैक्ट करता हूँ दोनों में से, तो यहाँ पे ए एफ बी इससे भी, ए एफ बी इससे भी सब्सट्रैक्ट करूँगा, तो क्या आ जाएगा, देखो मेरे पे ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई बी, एफ ई बी। तो देखो यहाँ से मेरे पे ये आ गया। अब यहाँ पे देखो एक बहुत प्यार से एक चीज़ देखो आप, ठीक है। अब अगर मैं ये देख रहे हो आप, ये देखो ये वाला ट्राइंगल है ए बी सी और ये है एफ ई बी, तो ये इस ट्राइंगल में अगर मैं देखो ये ए सी क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ए सी क्या है मेरे पे, ए सी क्या है, इस पूरे पैरेललोग्राम को कट कर रही है, डायगोनल है, ए सी डायगोनल है। और सिमिलरली एफ ई बी मेरे पे डायगोनली है, तो अगर मैं बोथ साइड दो से मल्टीप्लाई कर दूं, बोथ साइड टू से मल्टीप्लाई कर दूं, टू से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऑब्वियस ही बात है, टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पे पूरा ए बी सी डी आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा एफ जी ई बी। तो देखो यहां से मैं टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ साइड, तो हो जाएगा टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई
बी, और टू एरिया ऑफ ए बी क्या हो जाएगा मेरे पे, पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा ए बी सी डी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एफ जी ई बी। क्या बात है, और यही मुझे प्रूव करना था मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात है, ये भी हो गया। सेकंड वाला भी हमने कर लिया, अब हम पे थर्ड वाले पे आते हैं जरा।